अस्सलाम वालेकुम, मरियम किचन में आप सब खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता कढ़ाई। कढ़ाई में हम कोफ्ते बनाएंगे ग्रेवी के साथ। इसके लिए मैंने ये एक टीस्पून सौंफ पाउडर ली, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पाव टी स्पून मैंने हल्दी ली और एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। और उसके लिए मैंने ये 15-20 काला मिर्ची ली हूँ, दो टुकड़े छोटे छोटे जायफल के ली हूँ, एक है ये छोटा सा जावित्री, 4 इलायची, आधा स्टार फूल, 4 से 5 लौंग ली हूँ और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और ये 1/4 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर काला मिर्च पाउडर और ये वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये मैंने इसमें कीमा धो धा के सब साफ़ सफाई करके कीमा रखी हूँ। उसमें 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, 1/4 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाली हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली, 1 टेबल स्पून मैंने बेसन ली, इसमें 1 अंडा जाएगा एक कोफ्ते के लिए। और ये कोफ्ते के अंदर हम काला मिर्च पाउडर और ये सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे, इसको हम पीसेंगे। 2 प्याज ली हूँ कटा हुआ, 2 टमाटर लेंगे दो कटे हुए, थोड़ी सी धनिया, 2 मिर्च, अब अपने तीखेपन के हिसाब से ले, और लेमन जूस जाएगा 1/2, उसमें डालूंगी 1/2 ग्रेवी में डालूंगी। इसमें 1 अंडा डाली, इसको हम मिला पूरा, नमक डाली टेस्ट के हिसाब से, ये जो सूखे मसाले थे इसको थोड़ा सा रोस्ट की हूँ भून के, इसमें आप टमाटर डालूँगी, थोड़ी सी धनिया डालूँगी, दही डालूँगी 2 चम्मच, और ये पीसती हूँ और फिर बनाने की तरफ चल देंगे। हम इसके कबाब बनाएंगे, मसाला पीसने तक इसको थोड़ा रखी थी। इतने आपको जितने बड़े साइज के चाहे बड़े चाहे बड़े या छोटे चाहे छोटे, मैं ये मीडियम बना रही हूँ। बहुत बड़े बनाने के यार इधर बोलते इतने बड़े बड़े क्यों बनाई, छोटे छोटे बना, इसलिए मैं छोटे बनाती हूँ। आपको जैसे चाहिए आप बनाइए। ऐसे ही मैं सब बनाती हूँ और फिर बताती हूँ। चलो अब फ्राई करेंगे, इसके बाद ग्रेवी बनाने जाएंगे। इसको फ्राई करके लेते हैं। तेल गरम करने रखी थी, अब इसमें डालेंगे। आज मैं चूल्हे के आज काम कर रही हूँ, तेल बहुत गर्म हो चुका है।
तरफ से पकने देंगे, उसके बाद पलटाएंगे तो टूट जाएंगे। इसको दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ, तब तक हम इधर ग्रेवी बनाएंगे। मैंने जो कढ़ाई में अभी ये कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, कोफ्ते हुए तेल मैंने इसमें ली हूँ। मैं थोड़ा नमक डाल के इसको रखेंगे 2-3 मिनट के लिए दम में। प्याज हमारा ये फ्राई हो चुका है, बहुत मज़े के कोफ्ते बने हैं, टेस्टी। ये मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। लेमन जूस भी डालेंगे, मैंने कीमे के अंदर डालने भूल गई कोफ्ते में, फिर भी बहुत अच्छे थे, टेस्टी है। अभी जो मैंने मसाला पीसी थी, दही, गरम मसाला हमारा, वो डालेंगे। दही, टमाटर, सूखे मसाले, और थोड़ी सी धनिया। इसी को जग को पानी लगा के मैं डालती हूँ। ये मसाले का ही पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। फ्राई किया हुआ ही तेल डालूंगी मैं इसमें थोड़ा। धनिया डालेंगे थोड़ी, मसाले की इसकी खुशबू जाने के लिए
मैंने भूज आती है मसाले की, वो जाने के लिए मैंने कम आँच की हूँ। और इसको ज़रा हम 5 मिनट के लिए दम में पकाएंगे। ये हमारे कोफ्ते बनके तैयार है, हम इसमें छोड़ेंगे। थोड़ा मसाले को कीमे की खुशबू आने के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे एकदम 5-7 मिनट के लिए। 2 मिर्ची डालेंगे काट कर। ये देखिए हमारे कोफ्ता कढ़ाई बन के तैयार है। इसे अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और अब डिश आउट करेंगे। कोफ्ता हमारे बन के तैयार है ग्रेवी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।